देखा था ना आइस एज में कैसे पूरा माउंटेन टूट गया था, पूरा कॉन्टिनेंट टूट गया था, पूरी उसका फ्लाइट क्रैश हो गई थी, फिर वो कैसे कितने दिन अकेला रहा था। तो नो जोकिंग अराउंड इन माउंटेन वाटर। इधर पहाड़ी पे हैं हम एक जगह, तो आगे दिख रहा है एक बगतारी वाटरफॉल। पहाड़ी क्या हिल्स, तो सोच रहे हैं वाटरफॉल चलें देखने, कुछ घूमना हो जाएगा, देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग जगह होगी तो शायद। एक रोड उधर चला गया, एक रोड इधर जा रहा है, पता नहीं कहाँ क्या हम पहुंचेंगे। बगदारी वाटरफॉल, कोई वाटरफॉल है भी कि नहीं पता लगे। इधर रोड पे गाड़ी खड़ी है, उधर दूर मेरे को वहां पे सारी गाड़ियां खड़ी हैं, तीन चार गाड़ी खड़ी है वहां होगा। बस इधर सिर्फ चार गाड़ी हैं हमारी मिला के, और पांच छह बाइक हैं साथ शायद, देखते क्या मिलता है इधर, कुछ है भी कि नहीं है। बनी क्या लग रहा है, बनी कोई वाटरफॉल होगा यहाँ पे? वैसे बारिश नहीं है ना अभी, चांसेस कम है। आराम से बनी नीचे से स्लोली उतर के इधर रख, उधर से उतर के गए वो दिख रहे हैं बहुत सारे लोग उधर। इधर आओ इधर, हाँ हाथ पकड़ के रहना है यहाँ पे समझे, और धीरे धीरे पीछे पीछे, बस पानी बहुत कम है नीचे, उधर कुछ लोग पिकनिक कर रहे हैं गए हुए हैं, बट हम नहीं जा रहे, वो बहुत ज्यादा डेंजरस लग रहा है बनी के साथ। वैसे नाइस स्पॉट है, पेड़ देखो सामने कितना सुंदर लग रहा है। तो देखो इधर हाथ पकड़ के नहीं, चुप इधर कोई मस्ती नहीं। ये देखो इधर से नीचे, हम ज्यादा आगे नहीं जा रहे इधर से, ये सारा है बाकी, नीचे बहुत गहरा है ये नीचे, इधर से उधर बहुत गहरा है ये। मैंने उधर नहीं जाएंगे हम, डोंट डू दैट। देखा था ना आइस एज में कैसे पूरा माउंटेन टूट गया था, पूरा कॉन्टिनेंट टूट गया था। तो नो जोकिंग अराउंड इन माउंटेन वाटर समझे। अब हम इधर थोड़ी देर रुके हैं, लिटरली 15 मिनट्स, एंड नाउ वी आर गोइंग टू सागर। 120 किलोमीटर के आसपास बचा हुआ है। हाँ कुछ ऐसे तो भागीरथ या पता नहीं क्या नाम है इसको, तो ये देखते हैं बाहर जाते हुए बोर्ड लिखा हुआ है। And guys, don't forget to watch the other parts of my journey, Dahi to Jaipur and back to Dahi.